वेलकम टू माय स्वर्ण जीएमसर चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। आप इंडिजस चैप्टर सीख रहे हैं, क्लास 7। अब तक के वीडियोस बेस्ड ऑन इंडिजस जो आपने सीखा है, बेसिक ऑपरेशंस ऑन इंडिजस, बहुत ही यूजफुल है सभी स्टैंडर्ड्स के लिए। तो आप इसको ज़रूर देखिए और उसके बाद इन वीडियोज़ को आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आइए इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंपेयर द गिवन नंबर्स एंड राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द बॉक्सेस। तो आप तीन प्रॉब्लम्स यहाँ पे देख रहे हैं। तीनों प्रॉब्लम्स में एक बॉक्स, दो नंबर के बीच में एक बॉक्स है। तो इस बॉक्स में आपको अप्रोप्रिएट सिंबल इंसर्ट करना है, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद में आप जो है इसको बॉक्स को फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ लेना है। कंपेयर दी गिवन नंबर्स एंड राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द बॉक्सेस। और इसको आंसर करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो पता है, हम जब भी देखते हैं तो कंपेयर करने के लिए दोनों नंबर को देखेंगे। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर जो है, जो नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमको नोट कर लेना, माइंड में रख लेना, याद रखना है। तो नेगेटिव इंटीजर जो है स्मॉल होगा, यानी इस बॉक्स में लेस देन सिंबल आएगा। और जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे ध्यान से, कि जीरो है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें याद आना चाहिए कि जीरो इज ऑलवेज स्मॉलर देन दी पॉजिटिव इंटीजर। देयरफॉर यहाँ पे भी जो है इस बॉक्स में लेस देन सिंबल आने वाला है। जीरो इज ऑलवेज स्मॉलर देन दी पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको नोट कर लेना है, नोट करके रखना है, ताकि जब भी आपको रिवाइज करना हो तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं। और फाइनली जो प्रॉब्लम है उसमें आप देखेंगे कि दोनों नंबर्स जो है, दोनों इंटीजर्स, दोनों नेगेटिव इंटीजर है और दोनों सेम है। तो दोनों में साइन भी सेम है और नंबर भी सेम है, इसका मतलब ये हुआ इक्वल। तो यहाँ पे आप इक्वल टू सिंबल डालेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी देखने के लिए बोलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।